नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका यूनिका लैंग्वेज चैनल में मैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपका एचटीएमएल में बहुत बहुत ठीक है स्वागत करता हूँ। कहने का मतलब यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे हम लोग कोडिंग सीख रहे हैं, आज हम लोग थोड़ा सा बड़ी कोडिंग करेंगे और इस कोडिंग में आज मैं आपको फॉन्ट और फेस की बात बताऊंगा। फॉन्ट का मतलब होता है, मैंने अभी आपको बहुत सारे फॉन्ट की साइज को बताया था, जैसा कि आपने देखा होगा कि अपने अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते थे, टेक्स्ट की साइज को छोटा बड़ा करते थे, बिग किए स्मॉल किए। आज हम आपके सामने फेस एट्रीब्यूट से रिलेटेड एचटीएमएल में कोडिंग लेके आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए डियर बात करते हैं कैसे इसका हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले नोटपैड हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और नोटपैड ओपन करते ही तुरंत यहाँ पे हम अपना कोडिंग शुरू कर देते हैं। और कोडिंग कैसे करना है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, सब कुछ लॉजिक वही होगा, थोड़ा सा हमारे जो कोडिंग के स्टेप्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो आइए बात करते हैं किस तरीके से आज हम लोग फेस एट्रीब्यूट का यूज करते हुए एग्जाम्पल बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एचटीएमएल ओपन कर लेंगे। एचटीएमएल ओपन करते यहाँ पे हम बॉडी टैग ओपन कर लेंगे, जैसा कि अभी तक हम लोग करते आए हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को। हमने बॉडी टैग ओपन कर लिया, अब क्या करेंगे, आपको पता है हमको क्या करना है भाई, फेस एट्रीब्यूट यूज करना है, यानी हमको कंटेंट में फेस एट्रीब्यूट यूज करना है। तो सबसे पहले हम पी टैग लगा देंगे। पी टैग लगाते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले आपको बता दें यहाँ पे हमको फॉन्ट डिफाइन करना है। तो यहाँ पे हम क्या डिफाइन कर लें, फॉन्ट डिफाइन कर लें। चलो भाई यहाँ पे हमने फॉन्ट लिख दिया, ठीक है। अब फॉन्ट फेस, फॉन्ट फेस हमारा कैसा होना चाहिए, हमने यहाँ पे लिख दिया फॉन्ट फेस कैसा होना चाहिए, फॉन्ट फेस, ठीक है। अब फॉन्ट फेस का अगर हम बात करें तो फॉन्ट फेस सपोज दैट मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ पे वर्धना नाम, क्या दे दिया, वर्धना नाम का हमारा फॉन्ट फेस होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या टाइप कर दिया, वर्धना, ठीक है। चलो हमने यहाँ पे वर्धना टाइप कर दिया, वर्धना हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वर्धना नाम दे दिया, साइज इसका मैंने क्या रख दिया, 3 रख दिया। क्या रख दिया साइज, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे साइज यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया भाई, ठीक है, ओके। साइज इक्वल टू हमने क्या रख दिया, सपोज दैट यहाँ पे चलो मैंने 5 रख दिया, साइज इसकी कितना रख दिया, 5 रख दिया, ओके, साइज इसकी 5 मैंने रख दिया। चलिए बहुत आसान था, साइज को हमने डिफाइन कर लिया, फॉन्ट यहीं पे आप क्या किए बंद कर दिए, और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, यूनिक ऑनलाइन गुरु, यूनिक ऑनलाइन गुरु, यूनिक ऑनलाइन गुरु हमने यहाँ पे लिख दिया। लिखते ही सबसे पहले क्या करेंगे, फॉन्ट को बंद कर देंगे। फॉन्ट बंद करते ही क्या करेंगे डियर, तुरंत यहाँ पे लिख के फॉन्ट को बंद कर दो। यहाँ पे हमारा फॉन्ट बंद हो गया, फिर यहाँ पे हमारा पी टैग बंद हो गया, ओके। चलिए इतना कर लिया हमने, ठीक है। और भी कुछ यहाँ पे देना है तो दे सकते हो, नहीं देना है तो बॉडी टैग बंद कर दो, क्या कर दो, बॉडी टैग बंद कर दो, जो कि पहले ऊपर ओपन था, एस्टिमेट टैग बंद कर दो, तो यार इस तरीके से हम लोग आज क्या कर लिए, फेस एट्रीब्यूट का यूज करते हुए किस तरीके से यहाँ पे हम देखना चाहते हैं उसका हमने फॉन्ट का नाम यहाँ पे डिफाइन किया और फाइल को अपने सेव कर लिया। सेव करने का तरीका वही होता है, हम नोट वहाँ पे फाइल मेनू में जाके सेव एज में जाके डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम सचिन नाम से फाइल को सेव कर दिए, ठीक है। सचिन नाम से फाइल हमारी क्या हो गई, sachin.html हमने फाइल को सेव कर दिया, ओके। बिल्कुल देख सकते हो, रन करा सकते हो, उसको देख सकते हो सचिन नाम की फाइल कहाँ गई, डेस्कटॉप पे आ गई। ये देखिए हमारा ये क्या था डियर, इस तरीके से वर्धना नाम का हमारा ये फॉन्ट स्टाइल है, यूनिक ऑनलाइन गुरु मैंने यहाँ पे जो फेस दिया था ये हमारा वर्धना था, साइज इसकी 5 थी, ओके।